सीआरपीएफ जवान 12 साल बाद सेवानिवृत्त होने पर मंदसौर के गांधी चौराहा पर पहुंचे। सांसद सुधीर गुप्ता ने किया स्वागत, निकाली शोभा यात्रा। मंदसौर गांधी चौराहे से आज एक शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई और जगह जगह पर सेवानिवृत्त होने पर सीआरपीएफ जवान का स्वागत सम्मान किया गया। सीआरपीएफ जवान कमल सिंह चंद्रावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 22 साल की नौकरी में मैंने जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी। अमरनाथ यात्रा में हम लोग ड्यूटी करते थे और उस समय यहाँ व अन्य जगह की जनता निकलती थी तो हमको देखकर बेफिक्र हो जाती थी और कहती थी अब हमको किसी भी कोई आतंकवादी का कोई डर नहीं है और अब हमारा कोई आतंकवादी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ जवान तैनात रहते थे। सीआरपीएफ जवान कमल सिंह चंद्रावत ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेरे द्वारा असम छत्तीसगढ़ नक्सलवाद क्षेत्र में ड्यूटी की है और अब 22 साल की ड्यूटी कर सही सलामत अपने घर आया हूं और अब घर की देखभाल करूंगा। मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि कमल सिंह चंद्रावत 22 साल बाद अपनी ड्यूटी कर मंदसौर जावरा नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि कमल सिंह चंद्रावत 22 साल बाद सेवानिवृत्त होकर मंदसौर पहुंचे हैं, इसीलिए उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह ग्राम अफजलपुर के पहले सैनिक है और इनके बाद 70 गांव के परिवार के युवा सीआरपीएफ बीएसएफ सेनाओं में बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ पहुंचे हैं, इसलिए इनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया है। देश की रक्षा करने के लिए 22 साल तक अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए देश की सुरक्षा और रक्षा की है। मंदसौर के विनय दुबेला द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जय भारत मंच द्वारा अभी तक 371 सैनिकों का विदाई समारोह के दौरान भव्य कार्यक्रम किया गया है और एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। खुली जिप्सी में जवानों को खड़ा किया जाता है और शहर भर में उनका स्वागत सम्मान किया जाता है और आज अपने गांव 22 साल बाद कमल सिंह चंद्रावत सेवानिवृत्त होकर पहुंचे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए 10:10 पर सोमवार को बताया, अगर जहाँ सूर्य की प्रतिमा जमीन से बाहर प्रकट हुई और वहाँ स्थापित है, सूर्य अर्थात तेज, सूर्य अर्थात संरक्षक, ये भारतीय समाज जीवन में, भारतीय संस्कृति में प्रकृति का संरक्षक है और उसी सूर्यनगर जिसे कालांतर में हम अफजलपुर के नाम से जानते हैं, चंद्रावत जी पहले सैनिक के रूप में निकले थे, आज 70 परिवारों में बच्चे बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सेनाओं में बड़ी उत्साह से फौज में सम्मिलित हुए। कल ही मुझे अफजलपुर, जिसको सूर्यनगर के नाम से हम आज पहचानते हैं, वहाँ जाने का मौका मिला। कैप्टन जो अरुणाचल में पदस्थ थे उनके परिवार के विवाह समारोह में मैं सम्मिलित हुआ और आज उस व्यक्तित्व को मुझे मिलने का अवसर मिला जिसने 22 साल पहले अपने जीवन में इस यात्रा को प्रारंभ किया था। आज रिटायर्ड होकर आए हैं, ऊर्जाओं से भरे हैं, क्षेत्र को नई ऊर्जाओं से सरोबार करेंगे और हम सनातनी इस बात पर दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमारे अंदर के सूर्य का और समाज जीवन के उस सूर्य से हम मुखातिब हुए हैं और अपने अंदर की ऊर्जाओं को समाज, देश, राष्ट्र, सीमाओं, उस सब के संरक्षण के लिए और आगे बढ़ने में उत्साहित होकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर। ये मंदसौर की एक अनोखी परंपरा बन चुकी है कि जब जय भारत मंच ने पहले सैनिक का सम्मान किया और आज लगातार 371वें सैनिक के रूप में हम जो सेवानिवृत्त सैनिक का सम्मान कर रहे हैं, बड़ा हर्ष हो रहा है कि मंदसौर की आम परंपरा बन गई है कि चाहे सार्वजनिक समारोह हो, चाहे उत्सव हो, और सैनिकों को अतिथि के रूप में सैनिक को सम्मान देना मंदसौर की धरती ने प्रारंभ किया है। उसी क्रम में मंदसौर के अफजलपुर का पहला राष्ट्रभक्त सैनिक जिसने पहली बार सेना में भर्ती होकर और नई युवाओं में अलख जगाने का काम किया, ऐसा पहला सैनिक, उसके बाद में 70 सैनिकों ने लगभग भारतीय सेना में जाने काम अफजलपुर से किया है और आज उनका 22 साल का सेवा काल पूरा हुआ है। हम पूरे नगर में उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि 22 वर्ष की सेवा कार्यकाल करके मैं वापस अपने गांव सकुशल लौट रहा हूँ और जो मंदसौर में गांधी चौराहे पे सम्मान मिला है, सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी पधारे हैं, शांतिलाल जी मालवीय जी पधारे हैं और जय भारत मंच द्वारा जो इतना शानदार स्वागत किया गया है, तो बहुत ही अपने आप को गौरव में समझ रहा हूँ और ऐसे मतलब गुस्सा और बहुत अच्छा लगता है कि जो जवान आता है तो उसका इतना बढ़िया सम्मान हो, तो बहुत ही मैं अपने आप को गौरव में समझ रहा हूँ कि इतना बढ़िया जो स्वागत किया गया है और सभी यहाँ जो पधारे हैं समय निकाल के जो स्वागत में, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय देके इस फौजी भाई की
जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। 22 साल में आपने क्या क्या देखा और क्या अलग रहा? 22 साल की सर्विस के दौरान में मैंने मेरी जम्मू कश्मीर की सेवाएं भी रही है और वहाँ पर अमरनाथ यात्रा जी में भी मेरी ड्यूटी रही है। तो अमरनाथ जी यात्रा में जो यहाँ से जाती है पब्लिक, जब CRP केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रोड पे खड़ी रहती है तो वो अपने आप को गौरव में समझते हैं कि हमें चिंता की डर नहीं है, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस खड़ी है, हमें कोई आतंकवादी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो और बाकी आसाम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में मैंने ड्यूटी दी है। तो 22 वर्ष की सेवा में मैंने जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और आसाम, नीमच, भोपाल सभी जगह मैंने ड्यूटी दी है। तो घरेलू समस्या के कारण 22 वर्ष के बाद मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मैंने 22 वर्ष देश की रक्षा करी है, अब थोड़ा घर परिवार की तरफ भी देखूं। अपने परिवार से अकेला सदस्य होने के नाते मुझे ये कदम उठाना पड़ा और मैं पुनः यहाँ मंदसौर में गांधी चौराहे पे जब आप सब पधारे हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह चंद्रावत, अफजलपुर श्रीनगर का निवासी हूँ।